भली बात है कि कुछ क्षणों के लिए हम खामोश रहे और परमेश्वर के वचन को सुने टूडेज मेडिटेशन इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर थर्टी वर्स आज का मनन जो है वो पहला सैमुअल उसका तीस अध्याय छठे पद से लिया गया है वी रीड डेविड मैन वे आर टॉकिंग अबाउट स्टोनिंग हिम और यहाँ पर हम पाते हैं कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटियों, बेटे, बेटीो के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे Lord, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके

या एक परीक्षा का कार्य है टू काइंड ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड हियर और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं नंबर वन पहला फल बिटरनेस कड़वाहट नंबर टू एंकरेजमेंट और दूसरा उत्साहवर्धन ईच ऑफ डेविड्स मेन वे बिटर इन स्पिरिट और दाऊद के जो लोग थे वो आत्मा में बहुत उनके आत्मा में बहुत कड़वाहट भरा हुआ था थॉट ऑफ देर लॉसेस और वे अपने जो कुछ भी वो खोए थे उसके ऊपर विचार कर they रहे थे children, और उन्होंने अपने पत्नी पत्नी को और बच्चों के ऊपर वो विचार कर रहे थे और वो इस बात पर विचार कर रहे थे कि कितना संपत्ति उन्होंने खोया है एंड कंसिडर्ड वेपेंड एंड दे ब्लेम्ड इट ऑल ऑन डेविड और जो कुछ भी हानि उन्होंने अनुभव किया है उस सब का आरोप उन्होंने दाऊद के ऊपर लगाया एक समस्या जो है वो एक पहाड़ बन गया डिस्ट्रक्शन कड़वाहट से नाश और विनाश पैदा होता है बट एंकरेजमेंट इन द वन टू सीक द लॉर्ड टू बी ड्रॉन क्लोस टू हेम लेकिन उत्साह वर्धन जो है एक मनुष्य को उत्साहित करता है की वो परमेश्वर के और भी निकट आए डेविड है लोगो ने इस बात पर विचार किया की वो दाऊद को पथरवा करके मार डाले बट डेविड एट द सेम टाइम सॉट दस ऑफ द लॉड लेकिन उसी समय दाउद ने परमेश्वर की उपस्थिति को चाह ही लॉर्ड और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा एंड ही वांटेड लॉर्ड्स प्रेजेंस एंड गॉडस वॉइस और दाऊद चाहता था कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की वाणी उसके साथ रहे यू नो माय फ्रेंड्स यू थिंक ऑफ द सिचुएशन देयर डेविड कुड हैव लुक्ड एट दिस मैन और मेरे मित्रों इस परिस्थिति पर आप ध्यान दें दाऊद उस समय अपने लोगों को देखकर

डेविड ऑल्सो वॉज इन द सेम सिचुएशन क्योंकि सबसे पहले दाऊद भी उसी परिस्थिति में था अनप्रोबेबली हिस्स लॉस व मच मोर देन दे और हो सकता है अपने लोगों से ज्यादा उन्होंने वस्तु को खोया है एंड देड टू बी with विथ David. और दाऊद को जरूरत नहीं था कि वो इन लोगों के साथ रहे डेविड इन द सेम ट्रबल क्योंकि दाऊद भी उसी परेशानी में था एंड ही इन द सेम एज दे और दाऊद उसी परिस्थिति में पाया गया जो वो लोग पाए जाते थे एंड वेन यू थिंक ऑफ दिस मैन और जब आप इन लोगों के बारे में आप सोचेंगे नीड टू बी डेविड और उनको कोई जरूरत नहीं था कि वे दाऊद के साथ रहे दे विद डेविड एट दिस टाइम बाय देयर ओन चॉइस वे दाऊद के साथ अपने खुद के निर्णय से वो लोग थे रिमेम्बर डेविड वॉज इन हाइडिंग याद रखे दाऊद उस समय छुपा हुआ था रनिंग फॉर हिज लाइफ और अपने जान को बचाते हुए वो भाग रहा था दे केम टू हिम और ये लोग दाऊद के पास आए देवर नॉट इन्वाइटीज ऑफ डेविड दाऊद ने उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीफ और दाऊद के उस शोक के मध्य में बिकॉज ऑफ हिज ओन लॉस और क्योंकि वो खुद उन्होंने बहुत संपत्ति को खोया था एंड हिज ओन सफरिंग और अपने खुद के दुख में इन द मिडस्ट ऑफ हिज और अपने मित्रों के मध्य में हु हिज एनिमीज और जो उनके शत्रु बन गए डेविड फाउंड हिज स्ट्रेंथ

और आप जानते हैं मेरे मित्रों हो सकता है इसी परिस्थिति में ये वचन उसके पास आया होगा गॉड इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल कि परमेश्वर सारे परेशानी में एक वर्तमान एक उपस्थिति है आई बिलीव इट इज पॉसिबल इफ ओनली वी वुड चूज टू लुक टूवर्ड जीसस और मैं सोचता हूं कि अगर ये संभव है कि अगर हम सिर्फ हम यीशु की ओर हम देखें देर इज वन सिंगल थॉट दैट मस्ट ब्रिंग द एंकरेजमेंट एंड स्ट्रेंथ टू क्योंकि एक ऐसा विचार है जिससे हमें वो ताकत मिलना चाहिए और उत्साह मिलना चाहिए वट शुड बी दैट थॉट वो विचार क्या है वट द हैज डन फॉर हिम जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे लिए किया है ही हुएटेड द यूनिवर्स वो परमेश्वर जिन्होंने सारे भूमंडल को रचा है हुईस और जिसने तारों को अपने स्थान में स्थित किया है ही क्रिएटेड लाइट एंड लाइफ जिसने ज्योति को और जीवन को दोनों को बनाया वैट ही बिकेम अ मैन टू रिवील टू अस गॉड और ये परमेश्वर एक मनुष्य बन गया ताकि वो मनुष्यों को परमेश्वर प्रकट करे नॉलेज ऑफ दिस गॉड विल ट्रांसफॉर्म यू टू ट्रस्ट दिस गॉड और इस परमेश्वर से के ज्ञान से आप परिवर्तित हो जाएंगे कि आप इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे थ्रू द डार्केस्ट मोमेंट्स और आपने जीवन के उस अंधकार भरे क्षणों में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं एंड ही लाइट ऑफ द वर्ल्ड और वो जो इस जगत का ज्योति है विल शो यू द वे थ्रू द डार्कनेस वो ही आपको वो मार्ग दिखाएगा उस अंधकार भरे मार्ग से एंड डेविड लेट दी सेम मैन एंड टूगेदर दे रिकवर्ड और दॉस और उसके बाद हम देखते हैं कि दाउद जो है इन्हीं लोगों के साथ मिलकर उन सारे बातों को वापस पा लिया जो उन्होंने खोया था डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द लॉ और मेरे प्रिय भाई और बहनों नथिंग वॉज मिसिंग उनको कोई भी कमी नहीं हुई वाई क्यों हियर इज वन मैन क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है वो डे टू लुक टू गॉड एंड ट्रस्ट एम एंड एंक्वायर ऑफ एम एंड गॉड डायरेक्टेड एंड ई वॉज एबल टू रैली हिज Men standing there ready to kill him around him. और जिन्होंने इस बात को हिम्मत दिखाया कि वो यहोवा के ऊपर भरोसा रखेगा यहोवा से मांगेगा और फिर यहोवा के मदद से अपने लोगों के साथ मिलकर उन सारे वस्तुओं को पा लिया जो उन्होंने खोया था डेविड्स गाड इज स्टिल द सेम गाड और दाऊद का परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर यू एंड मी द सेम ब्लेंग वो इस बात का योग्य है कि आपके लिए और मेरे लिए उन्हीं बातों को करे आशीषों को दे जो दाऊद के लिए किया था वाट इज दर्कमस्टेंस यूर गोइंग थ्रूड ना आप इस वर्तमान समय में कौन से परिस्थिति से गुजर रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है कि आपके सबसे भरोसेमंद मित्र जो है अब आपके विरोध हो गए हैं डेविड हैड दैट एक्सपीरियंस। दाऊद के पास ऐसा अनुभव हुआ माय फादर एंड मे मी कि हो सकता है मेरे माता और पिता मुझे मुझसे दूर हो जाए मेरे माता और पिता मुझे त्याग दे लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा डेविड थॉट और दाऊद ने If सोचा इस फोर में अगर पर, यहोवा मेरे साथ है तो फिर कौन मेरे विरोध में खड़ा If हो God सकता है me, और जब यहोवा मेरे साथ है कैन मैन डू तो फिर मनुष्य क्या कर सकता This है यही आपका परमेश्वर है यही मेरा परमेश्वर है उसी को देखें। आमेन आमेन